हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिएटिव स्मैश प्रोडक्शन। स्वागत है सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर। तो जी 6 नवंबर को 3:30 बजे मुकाबला होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच। अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतती है तो वो सीधा बनाएगी अपनी जगह कहाँ पर, सेमी फाइनल में। बात करें अगर मैच हारने की तो ऑस्ट्रेलिया के पास फिर भी एक चांस है। अगर इंग्लैंड की टीम साउथ अफ्रीका को हराने में कामयाब हो गई तो सीधा ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगी सेमी फाइनल में। बहुत ही इंटेंस मुकाबले चल रहे हैं और बहुत ही जो स्टेज है वो क्रिटिकल आ चुकी है इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल से पहले। तो बात करें इस मैच की, किस तरीके से बनाए हमने स्ट्रेटेजी और कैसे हम एक बार फिर से कर सकते हैं इसमें प्रॉफिट बुक, तो आपको बताऊंगा और रिकमेंड भी करूंगा एज ए स्ट्रेट। तो शुरुआत करते हैं जी आज की वीडियो की और चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ, वो है हमारा पावर प्ले का सेगमेंट। तो इस मुकाबले में मैंने बैक कर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप एट 1.61 ऑड्स। फिंच और वार्नर को आपने लास्ट मैच में बल्लेबाजी करते हुए देख ही लिया होगा, कितने शानदार तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर से बढ़िया शुरुआत देंगे। वहीं बात करें वेस्ट इंडीज़ की तो क्रिस गेल और लुइस जो हैं वो मुझे बहुत ही ख़राब फॉर्म में लग रहे हैं और अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं करा है। तो आप बैक करें ऑस्ट्रेलिया को 1.61 ऑड्स पर। टोटल मुनाफा मैं आपको बता देता हूँ, 1230 रुपये का आपको मिल जाएगा। तो आई चलते हैं सेगमेंट टू, वो होता है हमारा मिडिल ओवर्स का सेगमेंट। जी हाँ, तो इस मुकाबले में मैंने बैक कर दिया है कि मिचेल मार्श की रहने वाली है प्लेयर परफॉर्मेंस 28 प्लस की एट 1.83 ऑड्स। बल्ले के साथ भी और गेंद के साथ भी दोनों में मार्श जो है वो अपना 100% देते हैं। लास्ट मैच में क्या जबरदस्त फिनिश करा, मतलब आते ही छक्के छक्के छक्के, मतलब बांग्लादेश के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया था। तो 2800 आराम से क्रॉस कर जाएंगे। एंड्रू डूकस के 1666 का आपको इस पर मिल जाएगा ये टोटल मुनाफा। तो आप जरूर बैक करें मिचेल मार्श को। तो वीडियो को बढ़ाते आएंगे, चलते हैं अब हम थर्ड सेगमेंट जो था हमारा स्लॉग ओवर्स का सेगमेंट। तो इस मुकाबले में मैंने बैक कर दिया कि मिचेल स्टार्क एक बार फिर से अपना जादू बिखेरेंगे और अपनी करेंगे प्लेयर परफॉर्मेंस को 25 प्लस की एट 1.83 ऑड्स। स्टार्क जो है बहुत ही कमाल के बॉलर हैं और इंटू टू का स्टेक लगाएंगे आप तो आपको पूरा मिलेगा प्रॉफिट। कितना? 1666 का प्रॉफिट। एक विकेट लेंगे 20 पॉइंट है, एक कैच पकड़ लेंगे तो 10 पॉइंट है, एक रन मारेंगे बल्ले के साथ तो 1 पॉइंट है। तो प्लेयर परफॉर्मेंस जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट होती है हर प्लेयर की। तो चलिए जी वीडियो को बढ़ाते हैं, चलते हैं अब फोर्थ सेगमेंट बुल्स आई सेगमेंट। तो इस मुकाबले मैंने मैक कर दिया कि मैक्सवेल की रहने वाली है प्लेयर परफॉर्मेंस 34 प्लस की एट 1.83 ऑड्स। इन टू का स्टेक है 1666 का आपको इस पर मिल जाएगा टोटल मुनाफा। मैक्सवेल की बात करें तो गेंदबाजी तो ये हर मुकाबले में कर रहे हैं, एक विकेट ले लेंगे तो 20 पॉइंट, एक रन मारेंगे तो 1 पॉइंट है, कैच पकड़ेंगे 10 पॉइंट है। तो मतलब तीनों आपके पास डिपार्टमेंट में बॉलिंग फील्डिंग और बैटिंग में तीनों में आपको जो है मैक्सवेल पॉइंट्स गैदर कर दे सकते हैं। 34 आराम से क्रॉस कर जाने चाहिए। तो जी अब वक्त आ गया है लास्ट अ फाइनल नेल इन द कॉफिन के सेगमेंट का। तो इसमें बात करें तो वेस्टइंडीज की टीम जो है वो तगड़ी टीम है। मैंने लास्ट मैच देखा तो 90 नंबर तक उनके पास बल्लेबाजी थी, लेकिन फिर भी जो है आप कितनी भी बल्लेबाजी खिला लें अगर आपका एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं है तो आप कभी भी मैच नहीं जीतने वाले। तो इसलिए मैंने बैक करा है ऑस्ट्रेलिया को कि वो ये मुकाबला जीतने में कामयाब हो जाएंगे। बैलेंस अच्छा है और बॉलिंग बहुत तगड़ी है एट 1.36 ऑड्स पे। इंटू टू का स्टेक है, प्रॉफिट बहुत कम है, 727 रुपये का प्रॉफिट है, लेकिन कोई बात नहीं, आप बैक करें ऑस्ट्रेलिया को कि वो ये मुकाबला जीतने में कामयाब रहेंगे। और आपको पता ही कि मैंने जो आपको ट्रेड बताएं आपको कहाँ मिल जाएंगे, bet365 की वेबसाइट पर। इसी वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है मौजूद, टैप करिए और सीधा पहुंच जाइए कहाँ पर जी, वेबसाइट पर। और जो चैनल है क्रिएटिव स्मैश प्रोडक्शंस को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, थोड़ा सा प्यार और दिखाते हैं तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप जो हैं सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या मैं आपकी बात नहीं सुनता हूँ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर बात करूँगा। लेकिन आप प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और कि जब आप प्यार देंगे तो मुझे और एनर्जी मिलती है कि मैं आपके लिए डेली वीडियोस, पूरा वर्ल्ड कप मैंने कवर करा, एक भी मैच को मिस नहीं करा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपसे कि आप मुझे इसी तरीके से प्यार देंगे और मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्द। टेक केयर, गुड बाय।